इंडिया और मिनी इंडिया का मुकाबला, जी हाँ यूएसए के खिलाफ मुकाबला, और कह सकते हैं कि ये इंडिया और मिनी इंडिया का मुकाबला होगा, क्योंकि जिस तरीके से इधर से इंडियन टीम की तरफ से आपको 11 खिलाड़ी अगर मैदान पे नजर आएंगे, तो यूएसए की तरफ से भी आपको बहुत सारे खिलाड़ी आपको इंडियंस नजर आएंगे। हरमीत सिंह सबसे पहला नाम आपको बता दूं कि अंडर 19 में ये खिलाड़ी खेला है, मयंक अग्रवाल के एल राहुल के साथ 2010 में, वहां पे ये हिस्सा थे भारतीय टीम का। उसके बाद आईपीएल में भी मौका मिलता है इन्हें 2013 में, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ एक विकेट लेते हैं रॉस टेलर का, ये एक तरीके से था। उसके बाद अगर बात करें सौरभ, जो मैन ऑफ द मैच थे अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी अंडर 19 में खेल चुके हैं भारतीय टीम की तरफ से, उसके बाद पलायन करते हैं, वहां से वो खेलते हुए नजर आते हैं। कप्तान अगर बात करें, मोनाक पटेल गुजरात में जन्मे, भारतीय मूल के खिलाड़ी वहां पे जाकर कप्तानी कर रहे हैं। निशाग्र पटेल की बात करें या रौनक पटेल, मतलब आप खिलाड़ी गिनते रह जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि क्या ये अमेरिका की टीम है या भारतीय टीम है, जिसमें दो चार विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं ऐसा लगेगा, क्योंकि एरोन जोन्स हो गए वहां पे, वो आपको विदेशी के रूप में, स्टीवन टेलर हो गए, वो आपको फॉरन नजर आएंगे। अगर न्यूजीलैंड की बात करो तो वहां पे कोरी एंडरसन आपको नजर आएंगे अमेरिका की तरफ से खेलते हुए, जो कि इस बार खेल रहे हैं, पहले वहां पे न्यूजीलैंड की तरफ से खेला करते थे। तो ये एक तरीके से सभी देशों का मिलाकर कंबाइन करके एक टीम बनाई गई है, और ये मुकाबला जो भारत और मिनी भारत कह सकते हैं आपको मुकाबला हुआ, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी वो मतलब कह सकते हैं ना अंदर से बेताब होंगे भारतीय टीम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने खेल दिखाया, तो अब उम्मीद है कि भारतीय टीम उस तरीके का खेल ही भारतीय टीम के भी खिलाफ दिखाए भारतीय खिलाड़ी, तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना।